दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम बैरी है और आज हमारी 9th टेक न्यूज है। तो आज भी आपके लिए लाया है गर्मा गर्म एकदम ताजा फ्रेश टेक न्यूज। तो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नोकिया के बारे में। और नोकिया का जो 9.3 प्योर व्यू है और नोकिया का जो 7.3 है, ये लॉन्च होने वाले है। इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि अभी ये अगस्त या सितंबर में आ सकते हैं। देखते हैं अभी, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन जैसे इसके और भी हमें इसके बारे में पता चलता है, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं LG के बारे में। और LG का जो LG स्टाइल 3 है, ये लॉन्च हो गया है। अगर स्पेसिफिकेशंस के पास देखते हो तो 6.10 इंच की इसका डिस्प्ले है। पीछे की तरफ डुअल कैमरा का सेटअप है, 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। और आगे की तरफ नॉच है बड़ी वाली, डुअल कैमरा है आगे की तरफ, डुअल सेल्फी कैमरा है आगे की तरफ। और बैटरी की बात करें तो 3500 मिली एम्पीयर की बैटरी है। अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन 845 है। तो थोड़ा सा है, फ़ोन अच्छा है लेकिन प्रोसेसर के पास देखते तो थोड़ा सा पुराना, मतलब डेढ़ साल हो गए होंगे स्नैपड्रैगन 845 को। देखते हैं अभी, मुझे ये देखना है कि इसकी प्राइस क्या। तो गूगल का जो गूगल हैंगआउट है, इसका नाम गूगल ने चेंज करके गूगल चैट्स रखा है अभी। मतलब यूजर इंटरफेस में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन शायद से गूगल को इसमें कुछ अपडेट्स करने होंगे। देखते हैं अभी, इसमें जैसे कुछ नया आता है, जैसे कुछ नए अपडेट्स आते हैं, हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो बात करते हैं ऑनर के बारे में। और ऑनर का जो ऑनर 30 है और 30 प्रो है, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बाहर आ गए हैं। ऑनर 30 के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 6.53 इंच की ओलेड डिस्प्ले होगी, एमोलेड डिस्प्ले होगी। और पीछे की तरफ क्वाड कैमरा का सेटअप होगा। जो मेन सेंसर है उसमें IMX सोनी का IMX 600 का सेंसर होगा। इसमें 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा होंगे इसमें। और एक शायद 48 मेगापिक्सल का IMX 600 का सेंसर होगा। और इसमें 4000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी होगी और 40 वैट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी होगा। अगर आप Honor 30 Pro के स्पेसिफिकेशंस के पास देखते हो तो उसमें 6.57 इंच की एमोलेड डिस्प्ले होगी, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होगा, स्टीरियो स्पीकर्स होंगे और 27 वैट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी होगा। स्पेसिफिकेशंस के पास देखते हो तो बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों भी फोन। दोस्तों, हुआवी का जो हुआवी मेटपैड है, मेटपैड 5G है, इसका बॉक्स का फोटो बाहर आ गया है। वाइट कलर का दिख रहा है और बड़ा बड़ा बॉक्स दिख रहा है। एक्चुअली ये टैब भी मतलब बहुत बड़ी है। 10.8 इंच का स्क्रीन है इसका। और प्रोसेसर के पास देखते तो केरिन 990 का प्रोसेसर। तो स्पेसिफिकेशंस भी बहुत अच्छे हैं और दिखने को भी ये बहुत अच्छा है। देखते हैं अभी, आने के बाद आपको सब कुछ बताएंगे। तो हुआवी का जो हुआवी टीवी है, ये जो चाइना में लॉन्च हो गया है, 65 इंच का ओलेड डिस्प्ले है इसमें और 24 मेगापिक्सल का आगे की तरफ कैमरा है। तो स्पेसिफिकेशंस के मामले में भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें गूगल सर्विसेज नहीं है, हुआवी के अपने सर्विसेज है। लेकिन फिर भी यार, गूगल सर्विसेज नहीं तो थोड़ा सा ओके ही कहूँगा मैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ओप्पो के बारे में। और ओप्पो का एक नया फ़ोन PCRT01, ये टेना पे लिस्ट हो गया है। और इसमें ऐसा दिख रहा है कि ये 5G होने वाला है और 6.4 इंच का इसका डिस्प्ले होगा। लेकिन बैटरी 3035 मिली एम्पीयर आर की ही होने वाली है। देखते हैं अभी, जैसे इसके बारे में हमें और पता चलता है, हम आपको ज़रूर बताएं। ओप्पो का जो ओप्पो A12 है, मैंने आपको इसके बारे में कल बताया था कि इसको BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है। और आज ऐसी खबर आ रही है कि इसको SIRIM सिरिम ये सर्टिफिकेशन भी मिल गया है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी इंडिया में आ रहा है। और दोस्तों, ओप्पो का ही एक नया फोन आ रहा है, ओप्पो A92S। इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये 5G पे होगा और इसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट होगा। देखते हैं अभी, ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है अभी तक, लेकिन जैसे हमें और पता चलता है, हम आपको सब कुछ ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, ओप्पो का जो ओप्पो रेनो A2 है, इसके कुछ लाइव इमेजेस बाहर आ गए हैं। और इसमें ऐसा भी दिख रहा है कि इसमें 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट होगा। और अगर इसके स्पेसिफिकेशंस के पास देखते तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर है, जो बहुत केपेबल भी और बहुत फास्ट भी है। और दोस्तों, ओप्पो का ही एक और फ़ोन आ रहा है, PDK M00। ये इस फ़ोन के मॉडल का नाम है। जैसे हमें इसका ओरिजिनल नाम पता चलता है, आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस फ़ोन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें MediaTek Dimensity 800 का प्रोसेसर होगा, जो 5G बेस्ड है। और इसमें 6.57 इंच का FHD+ IPS LCD का डिस्प्ले भी होगा।
डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा होगा इसमें 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का, और पीछे की तरफ क्वाड कैमरे का सेटअप है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का, और इसमें 4000 मिली एम्पीयर की बैटरी भी होगी जो 18 वॉट को सपोर्ट करेगी। तो मतलब दिखने को तो ये फोन के स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं, देखते हैं जैसे ही हमें इसके बारे में और पता चलता है हम आपको सब कुछ जरूर बताएंगे। हमारे साथ बात करते हैं आईकू के बारे में, और मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था कि आईकू के एक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, फ्लैश चार्ज और सुपर फ्लैश चार्ज। अभी ये जो दो टेक्नोलॉजी है इनको इंडिया में ट्रेडमार्क भी मिल गया है, मतलब ऐसा लगता है कि आईकू का जो अभी नया फोन आने वाला है आईकू नियो 3 शायद से इसमें फ्लैश चार्ज रहेगा या फिर सुपर फ्लैश चार्ज रह सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं OnePlus के बारे में, और OnePlus का जो OnePlus 8 Pro है इसके भी लाइव इमेजेस बाहर आ गए हैं, और इसमें ऐसा दिख रहा है कि इसमें Qualcomm Snapdragon 865 का प्रोसेसर तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ इसमें पीछे की तरफ क्वाड कैमरे का सेटअप रहेगा जिसमें 48 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के सेंसर्स रहेंगे। तो मतलब कैमरा तो सही में इसका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और डिस्प्ले के पास देखते हो तो 6.78 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले रहेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और इसमें ऐसा भी दिख रहा है कि इसमें हाइड्रोजनस ओएस रहेगा। ये नया ओएस लग रहा है क्योंकि वन प्लस के पहले वाले फोन्स में ऑक्सीजनस ओएस या ऑक्सीजन ओएस रहता था, अभी हाइड्रोजनस ओएस ये नया दिख रहा है। अभी पता नहीं है कि ये सिर्फ चाइनीज वेरिएंट में रहेगा या फिर ग्लोबल वेरिएंट भी आएगा, इसे अभी आने के बाद आपको जरूर बताएंगे। और दोस्तों Xiaomi का जो Xiaomi Mi 10 Lite है इसको NBTC सर्टिफिकेशन मिल गया है, ये थाईलैंड का सर्टिफिकेशन है, देखते हैं अभी ये इंडिया में कभी आता है, जैसे ही हमें इसके बारे में और कुछ पता चलता है हम आपको सब कुछ जरूर बताएंगे। तो बात करते हैं Realme के बारे में, और Realme का जो RMX 2086 है इसका मतलब Realme X3 Super Zoom, इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद से ये Snapdragon 855 प्लस के ऊपर आएगा, देखते हैं अभी ये, लेकिन अगर ये Snapdragon 855 प्लस के ऊपर आने वाला है तो शायद से इसकी प्राइस कम भी रह सकती है, देखते हैं अभी इसके बारे में, जैसे ही हमें और भी कुछ पता चलते हैं हम आपको सब कुछ जरूर बताएंगे। हमारे साथ दोस्तों Realme की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि एक Realme की नई सीरीज आ रही है RMX 21XX, ऐसे इस सीरीज को नाम दिया गया है। इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि मिड रेंज सीरीज रहेगी, और इसमें 5G होगा, और इसके बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद से इसमें Realme की जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है Realme डार्ट चार्जिंग, ये डार्ट चार्जिंग में 27 वैट से लेके 33 वैट तक चार्जिंग सपोर्ट करता है डार्ट चार्जिंग। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो Realme के RMX 21XX सीरीज रहेगी इसमें ये डार्ट चार्जिंग भी रहेगा, और साथ ही साथ 5G भी रहेगा, देखते हैं अभी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन जैसे हमें इसके बारे में और भी पता चलता है हम आपको सब कुछ जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों आज की टेक्निक खत्म होती है इधर ही, अगर आपको हमारी टेक्निक अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना आपके हाथ में, याद दिलाना मेरे हाथ में, तो मिलते हैं अगले टेक्निक में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।